गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अभी मैं थर्ड स्टैंडर्ड का हिंदी लेने जा रही हूँ। आज हमारे लेसन है सिक्स, पार्ट छः, लेसन नंबर सिक्स। इसमें हमारा क्या है, ओ की मात्रा यानी कि सिंबल ऑफ ओ। इससे पहले हम लोगों ने आ ई ई ऊ री ए आई, हम लोगों ने सब भी इसका सिंबल्स किया। देन अब भी हमारा आता है सिंबल्स ऑफ ओ। अब इसको लिखना कैसे है, इसको रीड कैसे करना है, मैं बताती हूँ। यहाँ पर जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल हमें लिखना है कोना यानी कि कॉर्नर। अब कोना, जब मैंने इसको बोला कोना, तो जब हमारा इसमें साउंड आता है कोना में, वो हमारा प्रोनाउंसिएशन के टाइम जो साउंड आता है वो आता है ओ, को, ओ, ना, कोना। तो उसको लिखना कैसे है, इसको लिखना है हमें जैसे क प्लस ओ। अब मैंने ओ बोला है तो यहाँ पे हमें ओ का वर्ड यूज नहीं करना, हमें यहाँ पे ओ का सिंबल यूज करना है। तो हमारा जो ओ का सिंबल है वो हमारा एक स्ट्रेट लाइन है, वह ऊपर इसकी मात्रा है। तो ये हमारा ओ का सिंबल। तो अभी मैंने बोला क ओ, देन ना, न उसके बाद आता है आ। अब आ का भी हमें यहाँ पे सिंबल यूज करना है, इसको हमें वर्ड नहीं लिख रहे हैं। अभी ऐसा नहीं कि हमें आ का वर्ड लिख देना है यहाँ पर, नहीं, हमें यहाँ पर आ का सिंबल यूज करना है। तो हमारा आ का सिंबल कौन सा होता है, वह हमारी एक स्ट्रेट लाइन। तो हमें कोना कैसे लिखना है, क प्लस ओ प्लस न प्लस आ, क ओ न आ, ये हो गया हमारा कोना यानी कि कॉर्नर। अब नेक्स्ट लेटर लेती हूँ मैं इसमें, एज फॉर एग्जाम्पल तोता यानी कि पैरट। अब तोता, तो में हमारे कौन साउंड आता है, हमारा जो साउंड आया वो हमारा ओ का साउंड है। अब ये कैसे लिखना है, त ओ, ओ की मात्रा, ओ का सिंबल, त ओ, देन त आ, ये क्या हुआ हमारा तोता यानी कि पैरट। अब एक और एग्जाम्पल मैं बताती हूँ यहाँ पर, लाइक मोर यानी कि पीकॉक। मो र, जो वर्ड मैंने बोला, जब हमारी प्रोनाउंसिएशन जो मैंने किया, प्रोनाउंस किया इसको मो ओ, तो हमारी यहाँ पर भी कौन सा आता है, हमारा सिंबल आता है ओ, म ओ, देन र, ये क्या हो गया हमारा मोर यानी कि पीकॉक। अब जैसे एक और वर्ड मैं इसमें लेती हूँ यहाँ पर, समोसा, समोसा, समोसा। अब इससे पहले जो मैंने ये तीन तीन लेटर लिए, इसमें क्या, हमारे जो फर्स्ट का ही लेटर है इसमें ही हमने यहाँ पर ओ की मात्रा यूज़ किया यानी कि ओ का सिंबल यूज किया, लाइक कोना फर्स्ट लेटर में ही आ गया, तोता, तोता में फर्स्ट लेटर में आ गया, मोर, मोर, ये भी फर्स्ट लेटर में ही हमारा सिंबल आता है ओ का। बट अभी जिससे मैंने बोला है, अभी जो मैंने अभी लेटर बोला समोसा, स मो सा, स मो सा, तो यहाँ पर जो हमारा ओ का सिंबल कहाँ पर यूज हुआ, हमारा है यूज हुआ है सेकंड लेटर में, जैसे कि स, देन म, देन ओ, स मो सा, स आ, समोसा। तो ऐसे ही हमें इसको पहले रीड करना है, उसके बाद ही फिर हमें लेसन रीड करना है इसको। अब मैं यहाँ पर ये एक बार पढ़ती हूँ उसको, लेसन नंबर सिक्स, ओ की मात्रा क्या है हमारा, क प्लस ओ, क ओ, को, च ओ, चो, ट ओ, टो, त ओ, तो, प ओ, पो, स ओ, सु। अब हम इसमें खुद से भी कोई वर्ड बना सकते हैं, जैसे कि क ओ को, देन ना, को ना। अब जैसे यहाँ पर च प्लस ओ है तो ये चो है, यहाँ पे चो, देन उसके बाद कोई भी वर्ड बना सकते हो, र लिख सकते हो, चो र, चोर, ऐसे ऐसे ही हम सबका इसमें कोई ना कोई वर्ड खुद से भी क्रिएट करा कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर है त ओ, तो, तोता, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, तोता। ऐसे यहाँ पर पहले सिंगल सिंगल वर्ड दिया है, देन यहाँ पर हम लोगों को फिर पूरा का पूरा एक वर्ड दिया गया है, कोई एक नाम दिया गया है। जैसे कि फर्स्ट हमारी जो पिक्चर है, ये हमारा पीकॉक यानी कि मोर का, म ओ र, म प्लस ओ प्लस र इज मोर, पीकॉक, ज ओ, ओ का सिंबल,
ज ओ क र जोकर, त ओ त आ आगा सिंबल तोता, ट ओ प ई ई का यहाँ पे ई का सिंबल है बड़ी की मात्रा, ट ओ प ई टोपी। अब आता है पेज नंबर 18। अब इसमें भी ये दो दो लेटर का है, ये भी यहाँ पे 3 and 4 लेटर के हैं। फर्स्ट है हमारा ढो ल ढोल, सो ना सोना, गो ल गोल, चो ट चोट, लो टा लोटा, पो ल पुल, शो र शोर, को ना कोना, तो ल तोल, च ओ र चोर, ल ओ हा लोहा, म ओ ल मोल। तो यहाँ पे ये दिया गया है दो दो लेटर यहाँ पर। ये अभी यहाँ पे आता है हमारा, यहाँ पर ये चार चार लेटर्स के जो वर्ड दिए गए हमें, जैसे ख र गो श, खरगोश यानी कि रैबिट, दो द ओ प है दो प है आफ्टरनून, क म ज ओ र कमजोर, वीक पर्सन वीक कमजोर यानी कि वीक, टेलीफोन, मोटर मोटर, प ओ टली पोटली, म ओ ह न मोहन, ह ओ ट ल होटल, क ओ म ल कोमल, ल ओ मडी लोमडी, स मो सा समोसा, सोम वार सोमवार यानी कि मंडे, ठोकर ठोकर, क ओ ठ र ये हमारा ई का सिंबल है कोठरी, ढ यहाँ पे ओ का सिंबल आ गया, फिर ढ ओ ल का ढोलक, ह ओ श, अभी हमारी जो ई की मात्रा यहाँ पर ये हमारी है छोटी ई की मात्रा, ह ओ हो शी यार होशियार यानी कि क्लेवर, गो ब र गोबर, ट ओ ट ओ क र ई टोकरी, ब ओ त ल बोतल, तो ल तोल, मो ल मोल। ये हमें यहाँ पर सिंगल सिंगल यहाँ पे हमें वर्ड दिए गए पढ़ने के लिए। अब ऐसे ही इसको पढ़ने के लिए एज फॉर रीडिंग एक्सरसाइज यहाँ पर ये पेज नंबर 19, इसमें यहाँ पर एक रीडिंग एक्सरसाइज है, इसको घर पर भी रीड करना। अभी जैसे मैं रीड करनी हूँ वैसे ही घर पर भी उसको बाद में रीड करना। रोहन मोटर से आया, रोहन कैसे आया मोटर से, उसने टॉप पहना है, क्या पहना है टॉप, तो यहाँ पे ओ की मात्रा कहाँ है हमारी टॉम, उसने टॉप पहना है, उसके पास तोता और खरगोश है। तो हमारी यहाँ पे जो ओ की मात्रा वो दो जगह यहाँ पे यूज़ की गई है, तोता और खरगोश में, उसके पास क्या है तोता और खरगोश। तोता बोलता है, सोहन का टेलीफोन आया है, सोहन का क्या आया है टेलीफोन, गोपाल सोमवार को होशियारपुर से आ रहा है, गोपाल सोमवार कहाँ से आ रहा है होशियारपुर से। तो हमारे यहाँ पे ओ की मात्रा देखिए कितनी जगह पे यूज़ किया है, गोपाल में किया है ओ की मात्रा, सोमवार में ओ की मात्रा है को, अगेन ओ की मात्रा हो होशियारपुर हो ये भी हमारी ओ की मात्रा है, गोपाल सोमवार को होशियारपुर से आ रहा है, उसे घोड़ा गाड़ी से ले आओ, कैसे लेके आओ घोड़ा गाड़ी को। तो यहाँ पर ओ की मात्रा फिर देखो दो जगह यहाँ पर है ओ की मात्रा, घो में घोड़ा, घो ओ की मात्रा घोड़ा गाड़ी से ले आओ, यहाँ पे आ ओ का वर्ड यूज है, यहाँ पे सिंबल के साथ साथ में ओ का वर्ड यूज है। अ वह समोसे और दालमोठ लाया, सोहन गोपाल के मैले कपड़े को धोबी को दे आओ, सोहन गोपाल के मैले कपड़े को धोबी को दे आओ, किसको दे के आओ वसंतमैन को धोबी को, वह कपड़े धो देगा, वह कपड़े क्या कर देगा क्लीन कर देगा। अब ऐसे ही जैसे ये यहाँ पर रीडिंग एक्सरसाइज है, इसी को यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए, इसको और अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पर ये कुछ वर्ड मीनिंग्स दिए गए हिंदी विद इंग्लिश, जैसे कि मोटर कार, टॉप हेड तोता पैरट, खरगोश रैबिट, सोमवार मंडे, घोड़ा गाड़ी हॉर्स कार्ट, समोसा स्नैक होता है इंडिया का जो मोस्टली सब भी लोग खाते हैं ज़्यादातर, मैले डर्टी कपड़े क्लॉथ, धोना वॉशिंग, धोबी वॉशरमैन।
अब यहाँ पर दिया गया है आइडेंटिफाई द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि आप पिक्चर दिया गया है ये और उसको हम लोगों क्या करना है यहाँ पर उनका नाम लिखना है। जैसे अभी ये पिक्चर है तो ये किस चीज़ का पिक्चर है, ये लोटा। अभी कैसे लिखना है, लोटा, लो ल में ओ की मात्रा देन ट आ लोटा, यहाँ पे हमें नाम लिखना है। ये क्या है हमारा ढोलक, यहाँ पे ढोलक लिखना है। टोकरी, यहाँ पे टोकरी। अब ये हमारा कौन सा पिक्चर है, ये हमारा बोतल, बोतल। लोमड़ी, खरगोश, रैबिट। अब सेकंड में आता है हमारा पुट द सिंबल ऑफ ओ एंड कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा एक वर्ड मिसिंग है, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, तो यहाँ पर हमें जहाँ जहाँ पर मिसिंग वर्ड है, मिसिंग सिंबल्स है, वहाँ पर हमें ओ की मात्रा, ओ का सिंबल्स हमें यूज़ करना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने किया हुआ ये तोता, टोपी, जोकर, धोती, समोसा, सोमवार, खोज, चोट, मोह, दोपहर। तो यहाँ पर जहाँ जाकर भी फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पर हमें पुट द ओ की मात्रा, पुट द ओ का सिंबल। ओके, अब थर्ड वन यानी कि लास्ट वन में आता है हमारा अरेंज द फॉलोइंग अल्फाबेट्स इनटू मीनिंगफुल वर्ड्स। अब यहाँ पर जो वर्ड्स दिए गए ये यहाँ पर ये रॉन्ग है, मतलब ये उल्टा सीधा करके लिखा है यहाँ पर, और हमें ये अरेंज करना है। अरेंज वाइज हमें मीनिंगफुल वर्ड के साथ में इसको यहाँ पे लिखना है। जैसे पहले लिखा ग्लो, ग्लो तो कुछ होता नहीं है, तो यहाँ पे इसका जो मीनिंगफुल वर्ड आएगा वो आएगा लो ग, लो ग, लो। रो ह न रोहन, ढो ल क ढोलक। नेक्स्ट है यहाँ पे तलबो, अब तलबो तो कोई वर्ड होता नहीं है, तो इसका हम इसका क्या वर्ड बनेगा यहाँ पर, इसका वर्ड बनेगा बो त ल बोतल। ऐसे ही है यहाँ पर पहर दो, पहर दो नथिंग, सो इसका यहाँ पे वर्ड बनेगा दो पहर, दोपहर यानी कि आफ्टरनून। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट वर्ड बनता है यहाँ पर होटल, हो ट ल होटल। इसके बाद है हमारा गो पा ल गोपाल, यहाँ पर गो शखर लिखा, तो गो शखर तो कोई वर्ड होता नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग इसको अब कौन सा वर्ड बनाएंगे, तो देखो कौन सा वर्ड बन सकता है, खुद से भी सोचो कौन सा नया वर्ड बन सकता है। बट मैंने यहाँ पे इसका वर्ड बनाया है ख र गो श, खरगोश यानी कि रैबिट। लास्ट वर्ड हमारा आता है जो र क में, यहाँ पे क्या लिखा है जोर कम। अब ये तो कुछ कोई वर्ड है नहीं, तो हमारा यहाँ पे जो लेटर बनेगा, जो वर्ड बनेगा हमारा, वो है हमारा क म जो र, कमजोर। तो हमारा लास्ट वन क्या वर्ड है, ये है हमारा कमजोर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा हो गया ओ की मात्रा, इसको घर पे अच्छे से रीड करना। ओके, थैंक यू।